हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप आने वाले किसी भी लेटेस्ट वीडियो को मिस ना करें। दोस्तों, अगर आपकी गर्लफ्रेंड किसी दूसरे लड़के से बात करे तो इस हालत में आप क्या करें, इसी के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों, जेलेसी हर रिलेशनशिप में दूरियां पैदा कर देती है और ये एक ऐसी फीलिंग है जिसे अवॉइड करना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों, शक करना और जेलेसी करने में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता है, और यदि ये दो चीज़ें आप पे हावी हो जाए तो आप लाख कोशिशों के बावजूद भी अपने रिलेशनशिप को कामयाब नहीं बना सकते। पर फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए अपने आप को बदलने की। अगर आपको लगता है कि आपकी गर्लफ्रेंड आपके होते हुए भी किसी और शख्स से बात करती है तो इस बात पर ज़्यादा प्रेशर ना डालें, बजाय एक दूसरे को समझने के। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे हालात में क्या करें, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप बिना किसी प्रूफ के अपने गर्लफ्रेंड पर शक ना करें। शक और जेलेसी करना एक ऐसी बीमारी है जिसकी कोई दवा नहीं होती है। दोस्तों, इसको आप खुद ही अपने अंदर पैदा करते हैं और फिर अपनी पर्सनल लाइफ के साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ में भी परेशान रहते हैं। शक बिल्कुल ना करें। वो कहाँ जाती है, किससे बात करती है, क्यों करती है, कब करती है, इन बातों से कोई सॉल्यूशन निकलने वाला नहीं है। ठंडे दिमाग से काम ले, हो सकता है जो आप सोच रहे हो वो बिल्कुल उल्टा हो, और फिर भी आपको ये लगता है कि रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में आप दोनों को बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ रहा है, तो कई बार ऐसे रिलेशनशिप को छोड़ देना ही बेहतर होता है दोस्त। लेकिन अगर आपके बीच जुड़ाव है तो हर मुश्किलों का सामना किया जा सकता है, हर मुश्किल आसान हो सकती है। आप ऐसी छोटी मोटी परेशानी पर ज़्यादा ध्यान ना दें। अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक दूसरे को फ्रीडम दें। तो आप अपने आप को मजबूत रखें। ऐसे हालात में कोई भी लड़का नहीं चाहेगा कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और लड़के से ज़्यादा घुले मिले, पर अगर ऐसा होता है तो जेलस होना एक नेचुरल फीलिंग बन जाती है, और जो बाद में एक बड़ी मुसीबत बन जाती है। अगर आप इन हालातों से गुजर रहे हैं तो बिल्कुल फ्री माइंड रहें। अगर आपकी गर्लफ्रेंड किसी और से बात कर भी रही है तो जल्दी से गलत मतलब ना निकालें। वो किसी लड़के से कैसे लड़के से बात कर रही है, इसकी पूरी जानकारी पता करने के बाद ही उससे इस बारे में बात करें। आप अपने आप को बदलने की कोशिश करें। अगर आपका रिलेशनशिप 2 या 3 साल पुराना है तो आपको अपने आप को बदलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने लंबे रिलेशनशिप में आप उसकी हर छोटी से बड़ी बातों से वाकिफ होंगे। अगर आपको रिलेशनशिप में आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है तो आप पहले से ही उसकी हर पसंद और नापसंद का पता लगा लें, और उसे कैसे पर्सनैलिटी वाले लोग पसंद है ये भी पता कर लें। अगर आपके बीच कभी किसी एक बात के बीच बहस या नाराज़गी होती है तो आप उस बात को समझें, और अगर आपको लगता है कि आप में कुछ कमी है तो उसे पूरा करें या बदलने की कोशिश करें, ताकि आपकी गर्लफ्रेंड आप में हमेशा ही इंटरेस्टेड रहे। आप एक दूसरे को रिलेशनशिप में स्पेस दें। ऐसे वक्त में जेलस और शक करना आदत बन जाती है दोस्तों, पर अपने आप को और रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाने के लिए आपको अपनी गर्लफ्रेंड को स्पेस देना ही होगा। आप नाराज या जेलस फील करते हो जब वो किसी और लड़के से बात करती है, क्या पता वो उसका फ्रेंड हो, और अगर ऐसे में आप उसको टोकेंगे तो वो इसको पसंद नहीं करेगी और रिजल्ट नेगेटिव ही होगा दोस्त, जिससे आपका रिलेशन कमज़ोर पड़ सकता है। ये सब एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है, पर याद रखिए, अगर आपका उसके साथ अच्छा रिलेशन है तो वो आपके साथ रहना पसंद करेगी। आप ही हो जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करती है। वो ज़रूर किसी और से बात करे, पर असलियत में वो हर कदम पर आपके साथ रहेगी, इसलिए बिना सच्चाई जाने उस पर शक ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।